सर ये टेन ए कौन? प्लस बी, टेन ए हाँ प्लस बी और आते हैं। टेन ए नहीं, बी। अरे नहीं, जिस ऑर्डर में पढ़ाया है तो उस ऑर्डर में करेंगे ना। ये पहला सेट क्लियर है। यस दूसरा सेट, सर, दूसरा सेट बताओ क्या था। टू साइन ए कॉस बी वाला। हाँ तो क्या था, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट टू टू सम। सम, नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत जरूरी है। टू साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए साइन ए प्लस प्लस बी बी प्लस साइन ए माइनस बी। प्लस साइन ए माइनस बी, बी टू कॉस ए साइन बी क्या था, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। सर ठीक उल्टा है, था ना, क्या सही तो लिखा है। साइन ए। हाँ सर, ठीक है, टू साइन ए साइन बी क्या था, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। डी फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इतना क्लियर है क्या, ये दोनों सेट फॉर्मूले क्लियर है अच्छे से। यस सर। कॉपी करो, 17 सितंबर लिख के कॉपी करना ताकि मैं चेक कर पाऊंगा फिर। लिख दिया सर। कॉपी कर लिया सबने, एक मिनट से। हेल्प करें। हाँ सर, अच्छा ये जूम ऐप जो है वो अभी तक टेलीविजन पे नहीं आया है ना, टीवी पे आया कि नहीं आया, किसी को आइडिया है क्या? पर सिर्फ मोबाइल और पीसी पे है हाँ यार भाई, थर्ड सर, आया क्या कि हो? आया। थर्ड आया है। हाँ सर, मैं कभी कभी ज्वाइन करती हूँ। टीवी से मेरे टीवी पे नहीं देखना पड़ेगा। सर कंप्यूटर को टीवी को ज्वाइन करो। हाँ वो तो है, वो तो फिर मतलब फिर तो ऐसा है कि मैं मोबाइल को कंप्यूटर से करूँ, कंप्यूटर को टीवी से करूँ, वो पागलपन है। कास्ट ठीक, करके करना पड़ेगा। हाँ वेब क्रोमकास्ट कर सकते हैं अपन। थर्ड में हाँ, नेक्स्ट क्या था बताओ। साइन सी प्लस साइन डी, प्रोडक्ट टू सम क्या था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बी साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, डी कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू टू साइन डी माइनस सी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू। ये क्लियर है। हेलो,
यस सर क्लियर है। कॉपी करो। ये सारे फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। ड्राइव तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं। सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला कॉस डी माइनस कॉस सी है ना? देखो उसको ना दो तरह से लिखा आता है, ठीक है। जब कॉस डी माइनस कॉस सी लिखते हैं तो यहाँ माइनस टू साइन सी माइनस डी लिख देते हैं, या कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा तो टू साइन डी माइनस सी लिख दिया। दोनों बात सेम रहती है, अंतर नहीं पड़ता है उससे। लिख दिया सर। थर्ड फोर सेट क्या था बताओ? फोर सेट टेन। बढ़िया। टेन ए प्लस बी क्या था? टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। और इसमें दूसरा क्या था? टेन ए माइनस बी क्या था बताओ? टेन ए इट वॉज टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। नेक्स्ट सेट क्या था? फिफ्थ सेट क्या था बताओ? मेरे ख्याल से मल्टीपल एंगल्स था क्या? हाँ, हमारे बैच में वो था, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। और इसमें बी वाला क्या था बताओ बेटा? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, है ना। सिक्स सेट क्या था बताओ? सिक्स सेट आई थिंक मल्टीपल था ना अब तो? वो 60 प्लस थीटा वो वाला साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा वाला। हाँ सर। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अभी तक कहाँ हुआ? उसके पहले साइन 3 थीटा के बाद हाँ बोलो। साइन 2 साइन 2 ए वाला। हाँ वही तो। क्या हुआ? मल्टीपल एंगल वाला क्या था? साइन 2 ए साइन 2 याद है? साइन 2 डब्बा इज इक्वल्स टू, अरे याद आ रहा है क्या? साइन टू ए इज इक्वल्स टू टू साइन ए कॉस ए। और इसको टेन में टेन के टर्म में क्या था याद है? टू टेन ए बाई वन प्लस हेलो टेन स्क्वायर ए। फिर ऐसे ही कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बोलो भाई टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। बोलो क्लियर है क्या तीनों? यस सर। फिर इसी को टेन में कैसे एक्सप्रेस किया था याद है? इसी चीज को टेन में कैसे एक्सप्रेस किया था बताओ? अरे किया था ना, वन माइनस वन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर टेन टू ए का फॉर्मूला क्या आया था? टू टेन ए बाई वन प्लस नहीं वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये ए बी और सी, अरे ये बात समझ में आती है क्या?
हाँ सर, इसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है बार बार, जो स्टार्टिंग मिस हो जाता है स्टूडेंट हमसे, वन माइनस कॉस टू ए कितना होगा, टू साइन स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉस टू ए कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर ए। ये बार बार एज ए स्टूडेंट हमसे मिस हो जाता है, वन माइनस कॉस टू ए क्या होगा, टू साइन स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉस टू ए क्या होगा, टू साइन कॉस, फर्क तो बन जाना, वन प्लस कॉस टू ए क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर, इतना क्लियर है क्या? हेलो क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो। फोन नंबर पर चलते हैं। जोर ना चलाते पीसी पर। फोन नंबर सांगल चलते। ये आने तो बराबर चलता था। आता बंद रहा। इसके अभी जिसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करो यार, ये क्या क्लास चल रही है, थोड़ा तो अपन क्लास की रिस्पेक्ट करेंगे। रैप करें, हेलो, कॉपी कर लिया सबने? नहीं सर, नहीं सर, वो मल्टीपल वाला नहीं किया। हो गया सर। मल्टीपल के बाद नेक्स्ट सेट क्या था बताओ? सेवन सेट क्या था वो, थ्री वाला ना, साइन थ्री थीटा। क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ए बी कॉस थ्री थीटा क्या होगा, कॉस थ्री थीटा क्या होगा बताओ? अरे आप देखो ना क्या लिखा हुआ कॉपीज में आपके, फोर कॉस टू थीटा, देखो ना क्या लिखा हुआ, चेक करो। हाँ सर, यही लिखा है। सी टेन थ्री थीटा क्या था बताओ? सर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इसी में फिर एर्थ सेट क्या था, साइन थीटा, साइन सिक्सटी माइनस थीटा, साइन सिक्सटी प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन सिक्सटी माइनस थीटा, साइन सिक्सटी प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? वन बाई फोर, हेलो, वन बाई फोर साइन थ्री थीटा हो जाएगा ना? यस सर। और बी कॉस थीटा, कॉस सिक्सटी माइनस थीटा, कॉस सिक्सटी प्लस थीटा क्या हो जाएगा? ये सब करवा रखा है ना आपको, है ना? और सी तो फिर टेन थीटा, टेन सिक्सटी माइनस थीटा, टेन सिक्सटी प्लस थीटा कितना होगा बताओ? tan 3 theta, ये सेट क्लियर है क्या? लास्ट वाला ए बी सी क्लियर है ना? आई थिंक एक दिन संडे को
मैंने ये भी फॉर्मूला ड्राइव किया था क्या, टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला? हाँ किया था, अरे याद है क्या, तीन चार बार किया था, टेन ए प्लस बी प्लस सी। सर्वेश ये फॉर्मूला उस दिन, एक दिन फॉर्मूला ये ड्राइव किया था ना मैंने, टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला, नहीं किया था क्या? हाँ सर शायद सर्वेश तुमने चार बार पूछा था, मैंने चारों बार बोर्ड पे सॉल्व किया था। टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइड बाई क्या होगा बोलो, वन माइनस थ्री, सॉरी वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। इतना क्लियर है क्या? हेलो यस सर क्लियर है। कोई बोल नहीं रहा है कि फॉर्मूला कराया है कि नहीं कराया है, कुछ तो बोलोगे, कराया है ना फॉर्मूला? कराया है सर। कॉपी कर लो इसको भी। कॉपी कर लिया क्या इतना? यस। आप लोग को वो स्पेशल एंगल्स निकालना सिखाया था क्या, टेन सेवन एंड हाफ टेन ट्वेल्व, ये तो फॉर्मुलेज हो गए, वो सिखाया था क्या आप लोग को स्पेशल एंगल्स निकालना? नहीं सर। एक बंदा बोलता है हाँ, एक बंदा बोलता है नहीं, मतलब सिखाया टेन टू ए वाला फॉर्मूला वही है ना, तो उसमें हाँ, मतलब कि हाँ मतलब 10 12 10 22.5 वगैरह निकाला था हमने, निकाला था? नहीं नो सर। चलो ठीक है, स्पेशल एंगल्स ठीक है। पहले हम लोग 18 36 इस सेट की बात करेंगे ठीक है। देखो थीटा ले लिया तो 5 थीटा कितना हो गया 90, 3 थीटा कितना हो गया 90 माइनस 2 थीटा। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉस थ्री थीटा क्या होगा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा कितना होगा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। दोनों साइड पहले कॉस लगाओगे ना ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा नहीं sin 2 थीटा ठीक है। और ये कुछ काम का नहीं है, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड sin लगा दूंगा, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 2 थीटा। sin 3 थीटा क्या हो जाएगा बताओ, cos 2 थीटा। अभी sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी ये जो क्यूबिक बनी है तुम्हारी क्या बन रही है बताओ, 4 sin क्यूब थीटा
माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को ए ले रहा हूं ताकि लिखने में आसानी रहे। फोर ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा, इससे फोर ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना? यस सर। तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं? ए माइनस वन फैक्टर है। हाँ, लोग कैसे करते हैं? टू फैक्टराइज अ क्यूबिक, व्हाट यू डू, यू पुट ए अपने इन योर सिलेबस ऑफ आईआईटी जेई, व्हाट यू डू, यू पुट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एट मोस्ट प्लस माइनस थ्री एंड सी वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट। ठीक है, तो मुझे बताओ क्रिस्टीन, इफ ए इज इक्वल टू टू इफ ए इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, व्हाट डज दैट मीन बेटा? If A equal to 1 satisfies this equation, what does that mean? So then 1 will be the x. If A is equals to 1 satisfies A is a factor. Nahin, that implies x minus A, x minus 1 is a factor of A minus 1 is a A factor. Minus, sorry. Hai na? तो इसको a इक्वल टू वन देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? a इक्वल टू वन कर रहा है ना सेटिस्फाई, मतलब a माइनस वन इसका एक फैक्टर है, a माइनस वन इसका एक फैक्टर है ना। अभी a माइनस वन से इसको लॉन्ग डिवीजन कर लो फिलहाल के लिए, फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन, फोर ए क्यूब, हाँ फोर ए क्यूब कितना आ रहा है बताओ? फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर ये कट जाएगा, दिस इज टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस टू ए, टू ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस वन माइनस वन, ये आ गया ना। अरे इतना क्लियर है क्या? फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन बोलो है ना। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? ए माइनस वन इंटू फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या क्या आ गया? A क्या है तुम्हारा? What is A? A is sin theta ना? आपने यहाँ पर theta क्या लिया है? आपने theta को क्या लिया है बताओ? आपका theta 18 degree है ना? 18 degree. तो sin 18 है ना आपका A, है कि नहीं? ठीक है, आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है बताओ? A is equals to 1 आया, A is equals to minus 1 plus root 5 by 4 आया, और A is equals to माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई फोर आया। क्या सबको क्लियर है इतना? yes. सभी लोगों को क्लियर है ना ये तीन रूट, ये तीन वैल्यूज कैसे आ गई? हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, यस सर। अरे सबको क्लियर है तीन वैल्यूज कैसे आ गई हैं? यस सर, यस सर। हाँ, कुछ क्या क्लियर है करना, ये क्वाड्रेटिक का रूट से लिखा है ना। अभी ए क्या है बताओ? तो साइन 18 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर साइन 18 इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई फोर। बताओ कौन सा तुमको पहले से मालूम है कि नहीं हो सकता है? भाई ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता ना, साइन 18 वन थोड़ा हो सकता है, मालूम है ना साइन 18 वन नहीं हो सकता है, बोलो हाँ या ना? अरे वन तो 90 पे होता है ना यार, तो ये तो नहीं होगा। अब साइन 18 जो है किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ वैल्यू कैसी देखो, तो माइनस वन माइनस रूट फाइव लिखा हुआ है ना। यस सर, तो ये भी नहीं हो सकता ना, क्यों? बिकॉज साइन 18 कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज साइन 18 कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव। तो साइन 18 की वैल्यू क्या रहेगी? ये। सो आपके पास क्या आ गया बताओ? साइन 18 का वैल्यू, व्हाट इज साइन 18 का वैल्यू बोलो?
root 5 minus 1 by 4. Root 5 minus 1 by? Hello? 4. 4. Now, similarly, cos 18 ka, cos 36 ka value nikalo. Cos 36 kya hoga bolo? Batao to kaun sa formula lagaya maine? Cos 36 equals to 1 minus 2 sin square 18. कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने बोलो cos 2 थीटा cos 2 थीटा वाला है ना जरा डालो वैल्यू बताओ कितना आता है 1 minus 2 root 5 minus 1 का होल स्क्वायर by 4 स्क्वायर ठीक है कितना आ रहा है बताओ 1 minus 5 plus 1 minus 2 root 5 by 16 8 एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 प्लस रूट 5 बाई 4 कॉस 36 इज 1 प्लस रूट 5 बाई 4 ये क्लियर है क्या अच्छे से सबको समझ में आया क्या यहां पे कि साइन 18 की तीन वैल्यू आई थी और दो वैल्यू को अपन ने रिजेक्ट कैसे किया है तीन वैल्यू कैसे आए सर हाँ हेलो सर तीन वैल्यू कैसे आई यार ये क्यूबिक इक्वेशन है तीन रूट तुमको नहीं दिख रहे एक इक्वल टू जीरो करो तो ए इक्वल टू वन और फिर इसको इस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू जीरो करो क्वाड्रेटिक का रूट नहीं लिखोगे दो रूट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए हेलो हाँ सर अरे बाकी लोगों को क्लियर है तीन रूट कैसे आए हैं यस सर और इसमें से दो वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो गई है ये क्लियर रिजेक्ट क्यों हुई है यस सर सर पक्का ना कॉपी करो सर वो आपने क्या लिखा है सर a इज इक्वल टू कहाँ पे यहाँ पे नहीं सर ऊपर इफ a इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइज दैट इंप्लाइज a माइनस वन इज अ फैक्टर अगर किसी इक्वेशन में x को वन डाल दिए और वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू वन इज x माइनस वन इक्वल टू जीरो इज अ फैक्टर उस दिन पढ़ाया था ना मैंने रिमाइंडर थ्योरम तो हेलो सर ये साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू लर्न करना हाँ ओके हेलो सर वो ऊपर क्या लिखा है इफ ए इज इक्वल टू ये वाला हाँ यस सर वो वाला इफ ए इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइज द इक्वेशन अच्छा ओके देन ए माइनस वन इक्वल टू ए माइनस वन इज फैक्टर
ये गैलेक्सी A21 नाम से कौन ज्वाइन किया है? अपना नाम डालो भाई, तो मैं तो निकाल दूंगा। सर थोड़ा साइड। गैलेक्सी A21 प्लीज रीनेम योरसेल्फ। ओके फाइन। सर वो लास्ट वाला नहीं समझा बात। कौन सा बेटा? कॉस 36 ने 4 स्क्वायर, हमने 8 क्यों लिखा? अरे ऊपर 2 है ना, तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना, कटेगा ना। सर वो तीन वैल्यूज कैसे निकाली आपने? A = 1, A = -1, +5। अरे भाई ये इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो फैक्टराइज हो गया ना। एक तो A = 1 आ गया, और ये क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या होता है? -b + -b² - 4ac होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर वो सबसे नीचे का दिखने रहा है। कौन सा? सर वो sin 18 = 1 के नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, बस कैंसिल किया है कि ये वैल्यू नहीं पॉसिबल है, ये वैल्यू नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? सर वो cos 36 का फाइनल आंसर क्या लिखा? 1 + √5/4। वो 1 + क्या लिखा है आपने? 1 + √5/4। यस सर, हो क्या लिखा? ये 18 का सेट था, ठीक है, इसमें वो दोनों का एक याद करना था। एक होता है आधा करने वाला सेट, हाफ करने वाला। हाफ करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 60 का सेट लेता हूं, तो 60 को आधा करना है। साइन 30 तो आता ही है सबको, मैं 15 से शुरू करता हूं, ठीक है। अगर 15 को आधा करना है, मतलब टेन मान लो तुमको निकालना है, लेट से साइन 15 निकालना है, तो साइन 15 कैसे निकाल सकते हो बताओ? साइन 45 - 30। हाँ, साइन 45 - 30, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? कॉस 30 क्या होगा बोलो? 1 - 2 sin² 15 है ना, तो 2 sin² 15 को क्या लिख सकते हो बताओ? 1 - cos 30। तो तुम्हारा साइन 15 कितना होगा बोलो? 1 - cos 30/2 का रूट। ये बात चमकती है क्या? ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ, ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा इससे एक बार आंसर तो निकाल ले, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए ना। साइन 45 कितना आएगा बताओ? 1/√2। √3 - 1/2 √2 आ रहा है यहां से तो, है ना। और यहां से कितना आ रहा है बताना जरा? 2 - √3
by 2 root by 2 by 4. तो ये और ये बराबर कैसे है? देखो कैसे करते हैं, सुनो, यहां पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक क्लियर है सभी को? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। इस 4 को मैं लिख रहा हूं √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई रूट 8 बाई 8। कुछ फील आया क्या ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में क्या लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा है बताओ? माइनस 1 ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और नीचे में रूट 8 कितना होता है? 2 रूट 2 होता है, तो वापस से कितना आ गया? रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आप साइन 15 निकाल सकते हो, आप साइन 75 निकाल सकते हो, तो आपका ये सब सेट समझ में आता है ना फिर आपको यहां तक, तो है ना? यस। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। नहीं सर। बोलो भाई, कॉपी हो गया? हेलो। हाँ सर। ठीक है, 15 के सेट में एक और एंगल निकाल लेते हैं, tan 15। बोलो क्या होगा? हेलो, tan 45 माइनस 30 क्या होगा बताओ? tan 45 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 कितना होगा बताओ? 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3, तो वैल्यू विल बी हाउ मच?
रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन. बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यस सर. इसको रैशनलाइज कर दो. रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन से क्या बन रहा है बताओ तो? रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे में क्या बन जाएगा? टू. ऊपर खोल लो क्या बन जाएगा? टू माइनस रूट थ्री. टेन फिफ्टीन कितना आ गया? टू माइनस रूट थ्री. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है तो मुझे बताओ टेन सेवेंटी फाइव कितना होगा? टेन सेवेंटी फाइव विल बी हाउ मच? कॉट फिफ्टीन होगा ना टेन सेवेंटी फाइव तो. और कॉट फिफ्टीन क्या होगा? वन बाई टेन फिफ्टीन होगा. तो वन बाई टू माइनस रूट थ्री. इसको वापस से रैशनलाइज कर दो. टू प्लस रूट थ्री टू प्लस. सब कुछ चमक रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यू कितनी आ गई? टू प्लस रूट थ्री. ये चीज क्लियर है क्या? कॉपी करो तो थोड़ा सा राइट साइड में लो ना कैमरा. हाँ समझा मैं. मिस हो रहा है ना? हाँ ठीक है चलो. अभी ठीक है? यस सर. यस सर. कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर. सर. तो अभी 45 का आधा करते हैं. ठीक है देखो मतलब ये सेट चाह रहा हूँ मैं 22.5 का, फिर 45 हुआ, 67.5 हुआ, ये सेट चाहिए. ठीक है तो देखो tan 45 क्या होता है बताओ? हाफ एंगल में क्या होगा? 2 tan 22.5 by 1 minus tan square 22.5. बोलो भाई ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है तो अभी ये क्या बन, tan 45 कितना होता है? 1 होता है ना. तो 1 minus 22.5 is equals to 2 tan 22.5. बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. टेन स्क्वायर 22.5 प्लस 2 टेन 22.5 माइनस 1 इक्वल टू 0. ये भी क्लियर होगा? तो yes, ये तो क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला डालो. माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 8 बाई 2. तो वैल्यू क्या आ गई बताओ? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2. तो वापस से वही चीज आ गई ना कि tan 22.5 क्या सर? माइनस कैसे आएगा? हाँ आएगा रे आएगा. माइनस 1 प्लस रूट 2. ठीक है दो वैल्यू आई. कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे बताओ? क्रिस्टीन बताओ तुम कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे? ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? सर पहला वाला वैल्यू नहीं रहेंगे. माइनस वन ट्वेंटी टू. हाँ ये नहीं लेंगे और ये वाला लेंगे. क्यों ऐसा? 22.5 कहाँ पे है? सिंस 22.5 इज इन क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट.
फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इंप्लाइज क्या एंगल tan 22.5 इज पॉजिटिव tan 22.5 इज पॉजिटिव ये बात चमकती है क्या हेलो कॉपी करो सर बोलो सर एक बार फिर से बताएंगे देखो सर ऊपर से नहीं बीच में से हाँ हाँ ये क्लियर है हाँ सर ये क्लियर है हाँ सर ये क्लियर है हाँ सर फिर क्वालिटी का फॉर्मूला आता है हाँ सर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ये क्लियर है फिर है ना ओके सर समझा कोई तो कुछ बोल रहा है चैट चला गया कि 6:30 से दोपहर में लेक्चर क्या बोल रहे हो Somebody was saying something सबने कॉपी कर लिया क्या हेलो सर हमें दो मिनट हम 6:30 के सारे लेक्चर 13 से जो भी लिख रहा है बोल दो यार पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो सर वो 6:30 के बाद के सारे दोपहर को ले सकते हैं क्या 19 के बाद क्यों ऐसा क्या है लगता है आईपीएल देखना उसे ओ कॉपी करो इसको कॉपी कर लिए शुड आई रब यस सर देखो दिस इज द वन वे to half the angle okay the other way also exists to half the angle that is using the triangle halving the angle using triangle theek hai dekho abhi ye ek triangle bana lo maan lo 45 ka half karna hai theek hai to ye 45 hai ye 45 hai ye kitna hai 90 to is length ko 1 1 aur ye length kitna hoga अरे यार कोई तो बोलो रूट टू होगा ना हाँ सर आपने लिख दिया था हाँ तो भी बोलना होता है ना यार अच्छा मुझे एक चीज बताओ टेल मी व्हाट कंस्ट्रक्शन शुड आई डू हियर सच दैट आई गेट अ ट्रायंगल हुज हाइट इज वन इटसेल्फ बट द एंगल समहाउ बिकम्स 22.5 व्हाट कंस्ट्रक्शन शुड आई डू सर वो बेस को एक्सटेंड करने का हाइपोटेनस ट्रायंगल बाई लाइक दिस अगर ये और ये लेंथ बराबर है सो व्हाट विल हैपन इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना सो व्हाट एंगल विल दिस बिकम 22.5 एंड दिस विल बिकम 22.5 क्या सबको ये क्लियर है क्या सो इफ दिस लेंथ इज रूट टू So what shall this length also be? Root 2. So what is tan 22.5? Come on guys, tell me the answer. 1 by root 2 plus 1 perpendicular by base. Sabko clear hai? Rationalize kar do, you get the direct answer. Sabko clear hai ki achche se? Ye half karne ka tarika hota hai. Now you go on halving this. You can again half it more. So aapko next time kya mil jayega? 11.25 ये बात चमकती है क्या हेलो हाँ सर यस सर सो फॉर दैट यू नीड टू नो दिस हाइपोटेन्यूज राइट
So what is this length का hypotenuse? This length will be how much? Tell me. Root 2 plus 1 का whole square है ना? This length is how much? Root 2 plus 1 का whole square plus 1. Okay. So this length should come here. So इतना ही length we need to construct here. So this length will be how much? Root 2 plus 1 का whole square plus 1. Fine. So tan 11.5 कितना हो? 11. Point, जो भी है कितना हो जाएगा बताओ? tan 11.25 जो भी होता है कितना आएगा बताओ? तो कितना आ जाएगा? 1 by 1 root of 4 plus 2 root 1 plus root 2 1 plus root 2 plus this ना है ना? ये कितना लिखा हुआ है बताओ? तो 2 plus 3 4 plus 2 root 2 लिखा हुआ है. क्या सबको ये क्लियर है क्या? यस सर. लेकिन वो समझा नहीं थोड़ा. क्या बोलो बोलो बोलो. कौन सा पार्ट? पहला पार्ट समझे, दूसरा पार्ट समझ नहीं है. क्या समझ नहीं सर? मेथड समझा सर, लेकिन वो 45 डिग्री से डायरेक्ट ऑन लूप 22.5 लेंगे तो वो दोनों साइड सेम कैसे होगा? रूट टू और नहीं 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 नहीं, वो जितना लंबा ये था उतना ही लेंथ ये कंस्ट्रक्ट किया मैंने और नया ट्रायंगल बना लिया. तो ये एंगल इक्वल होगा और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 45 शुड बी सम ऑफ दिस एंड दिस, बट दिस एंड दिस आर इक्वल, सो ईच दिस विल बी हाफ ऑफ 45, सो वी गेट द एंगल 22.5 हियर. ओके सर, क्लियर है सर? है ना? हाँ. रूट टू प्लस वायर प्लस वन कैसे आया? क्या हुआ सर? वो थर्ड ट्रायंगल में आपने जो लिया है ना रूट. हाँ सर. ये बोल रहे हो? ये कैसे आया? हाँ. इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल दिया यार. वन तो ऑलरेडी है और रूट टू प्लस वन ये लेंथ हो गई. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज दिस, और जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इसको कंस्ट्रक्ट किया तो 11.25 आ जाएगा. आई होप क्लियर होगा ये. अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर. हाँ सर. कॉपी करो इसको. दिस इज वन वे. कॉपी कर लिया क्या? इतन क्या बोल रहा है? ऐसे मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं आज. आई डोंट अंडरस्टैंड 10:45 वैल्यू मतलब 10:45 तो वन होता है ना, उसमें क्या समझना है?
इधर वो आपने सॉल्व किया ना पिछले बार 10 22.5। हाँ 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 तो वो समझा नहीं कौन सा स्टेप बताओ। मैंने 10:45 को ऐसा लिखा, ये सही लिखा कि गलत लिखा, इतना बता बस। वहां तक समझा, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बाद जो आपने किया वो नहीं। ये मल्टीप्लाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक क्लियर है तुमको? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसके बाद तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा? तुमको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं आता है? आपने वो जीरोस निकाले। हाँ, माइनस बी ये फॉर्मूला आता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई। लेकिन ये नहीं, आपने जीरोस क्यों निकाला ऐसा? क्योंकि इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है, इसलिए ये इक्वेशन बन के आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में क्या करूं? ओके सर, सुनो, समझ गया सर, समझ गया। सुनो 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 सुनो, इसको ना ए ले लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब कर सकते हो? हाँ सर, तो मैंने उसको ऐसे एज्यूम किया था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन, इसलिए नहीं हो रहा था। लेकिन रूट के अंदर 8 कैसे आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? इस क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac 8 ही तो है। हेलो। हाँ सर, क्या हुआ, नहीं समझा? सर कर जाओ, दो मिनट। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तेरे को निकालने नहीं आते। क्या होगा रूट? माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर, सर समझ गया, वो माइनस साइन के वजह से हुआ था। सर मैंने फोर माइनस फोर ऐसे जीरो कर लिया। ये क्लियर है? हाँ सर। yes. कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉल्व करो जरा। जब भी क्वेश्चंस में एंगल आते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो ऐसे दो एंगल पकड़ो जिनका सम पाई हो रहा है, ऐसे दो एंगल पकड़ो जिनका सम पाई बाय टू हो रहा है, ताकि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे खेल पाओ। पहला एम रखो सारे एंगल्स को छोटा करना, पहले सारे एंगल्स को जीरो से पाई बाय टू में शिफ्ट करो कुछ कुछ करके, उसके बाद फिर देखो किन किन दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है। सॉल्व करो, सॉल्व करो।
अरे यहाँ पहला हुआ क्या? हाँ सर। हेलो, पहला हुआ, पहला डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना? क्या होगा? साइन पाई बाई एट प्लस ए बाई टू प्लस पाई बाई एट माइनस ए बाई टू इंटू साइन ऑफ पाई बाई एट प्लस ए बाई टू माइनस पाई बाई एट प्लस ए बाई टू। ये और एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू? साइन पाई बाई फोर इंटू साइन ए, विच इज हाउ मच? वन बाई रूट टू साइन ए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। बी एंड सी बताओ, बी एंड सी थिंक, जो भी एंगल 90 से बड़े हैं छोटा करो पहले उनको। बी का जीरो आ रहा है। नहीं नहीं, जीरो कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं, जीरो स्क्वायर है यार, जीरो कैसे आ सकता? सो टू बाय रूट टू। नहीं, बी में कुछ हुआ क्या सर? आंसर जीरो है क्या? नहीं, जीरो कैसे आ सकता है आंसर? सर टू है क्या? हाँ टू आएगा ना, देखो ना, फाइव पाई बाई एट और थ्री पाई बाई एट सेम है ना, फाइव पाई बाई एट, फाइव पाई बाई एट को तुम लिख सकते हो ना पाई माइनस थ्री पाई बाई एट। हेलो, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ना, कॉस फाइव पाई, आप ये देखो ना, फाइव पाई बाई एट प्लस थ्री पाई बाई एट, मैंने बोला ना ऐसे एंगल्स खोजो जिनका सम जो है पाई है। फाइव पाई बाई एट प्लस थ्री पाई बाई एट कितना होता है? पाई होता है ना, ठीक है। तो आपको क्या मालूम चला? 5 पाई बाई एट इज हाउ मच? पाई माइनस थ्री पाई बाई एट। बोलो, इतना क्लियर है? हेलो, यस सर, इतना क्लियर है? नाउ कॉस 5 पाई बाई एट इज हाउ मच? कॉस 5 पाई बाई एट इज हाउ मच? दोनों साइड कॉस लोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओ पहले? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थ्री पाई बाई एट। ये क्लियर है? सो नाउ कॉस स्क्वायर फाइव पाई बाई एट कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट। क्या सबको ये चीज क्लियर है क्या? सिमिलरली सेवन पाई बाई एट क्या बन जाएगा बताओ? कॉस सेवन पाई बाई एट इज हाउ मच?
कॉस पाई माइनस पाई बाई एट ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। हाउ मच कॉस पाई बाई एट माइनस इफ यू स्क्वायर इट अप हाउ मच यू गेट कॉस स्क्वायर सेवन पाई बाई एट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई एट। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। सो व्हाट बिकम्स नाउ? अपने पास बी वाला क्वेश्चन क्या बन गया फाइनली? बी वाला क्वेश्चन क्या बन गया बोलो? कॉस स्क्वायर पाई बाई एट है ना, और तो टू कॉस, ये जो था वापस से ये बन गया और ये था ये, तो क्या बन गया बोलो? 2 cos square pi by 8 plus बोलो भाई cos square 3 pi by 8। ये बात चमकती है? Yes. है ना? Now again you can observe one more thing। बोलो what can you observe? For cos square 3 pi by 8 sin square pi by 8 हो जाएगा। Pi by 8 plus 3 pi by 8 कितना आ रहा है? 4 pi by 8 है ना? Pi by 8 plus 3 pi by 8 कितना आ रहा है? 4 pi by 8 which is how much? Pi by 2 which is how much? अरे बोलो, pi by 2। pi by 2, so now अगर ये pi by 2 बन गया इसका मतलब ये इसका मतलब 3 pi by 8 is how much? pi minus pi 3 pi by 2 minus pi by 8, so cos 3 pi by 8 कितना होगा? cos माइनस साइन पाई। अरे नहीं भाई, cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना, साइन पाई बाई एट। ये बात चमकती है? सो क्या लिखा हुआ है बताओ अभी यहाँ पे? यहाँ पे माइनस साइन क्या लिखा है बताओ? अरे cos पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा थोड़ी ना होता है, क्लास टेन से पढ़ क्या रहे? तो क्या बन गया बताओ अभी यहाँ पे फाइनली? 2 cos स्क्वायर पाई बाई एट प्लस साइन। देखो मैं जो कर रहा हूं बहुत आसान नहीं है, ठीक है? ये धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे, लेकिन स्टार्टिंग में दो रूल सीखे कि जिन जिन एंगल्स का सम पाई हो रहा है उसको छोटे में चेंज करो, जिन जिन एंगल्स का सम पाई बाय टू हो रहा है देखो क्या हो रहा है, कॉपी करो और थर्ड वाला सॉल्व करो। कॉपी करके थर्ड वाला सॉल्व करो। सर जरा सही। हाँ
कितना है सी का आंसर? सर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 की बात क्या करूं? नहीं बेटा गलत कर रहे हो, ध्यान से। अरे 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 सॉरी 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 क्वेश्चन में गलती करी थी मैंने, प्लीज देखो। सर हाँ सर, इसका आंसर भी टू आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर टू। रब करें? यस yes. यस yes. चलो मैं सी वाला वापस सॉल्व कर रहा हूं सबके लिए, ऐसी बड़ी बात नहीं है बट बनना चाहिए था। सी वाले में क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा वापस से? साइन पाई माइनस पाई बाई एट है ना? अरे बात समझे क्या? विच विल बी हाउ मच? साइन स्क्वायर पाई बाई एट। ये टर्म क्या बन जाएगा वापस से बताओ? साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट। तो आपके पास पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? टू साइन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट। बोलो क्लियर है क्या ये? हाँ सर। अब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 90 है ना? तो अपन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई बाई एट, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर पाई बाई एट, पिछले वाले की तरह है ना? वापस से कितना आ गया? टू। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हेलो यस सर क्लियर है। ठीक है कॉपी कर लो। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलो
नंबर वन नहीं कौन बोला था वन पावर फोर है दिख नहीं रहा क्या सर हाफ नहीं हाफ कैसे बोला तुमने सर ए ए रेस टू फोर प्लस बी रेस टू फोर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पर चेंज करो ना एंगल्स को इसको क्या लिख सकते हो बताओ कॉल को क्या लिख सकते हैं कॉस पावर फोर पाई बाई एट लिख सकते हैं ना ये बात समझ में आती है कि साइन थ्री पाई बाई एट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई एट ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है ना yes. अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई एट का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई एट cos स्क्वायर पाई बाई एट बोलो इतना क्लियर है क्या हाँ सर यस सर फिर वन माइनस टू साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर है वो रुको 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 इतनी हड़बड़ी थोड़ी ना है सर आंसर पाई बाई रूट टू है क्या नहीं 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 सर वन माइनस टेन और टू टेन पाई बाई एट tan वैन कहां से बन गया साइन स्क्वायर अच्छा सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी सर ऐसा लिखा है ना इसके बाद बताओ कुछ कंबाइन कर सकते हो यहां पे 4 दिया और यहां पर 4 दिया अब बताओ क्या बन गया वो 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू ये क्या लिखा है बताओ तो साइन पाई बाय फोर का होल स्क्वायर हाँ टू साइन पाई बाई एट कॉस पाई बाई एट का होल स्क्वायर है ना विच इज हाउ मच साइन पाई बाई फोर विच इज वन बाई टू विच इज वन बाई टू विच इज हाउ मच थ्री बाई फोर क्वेश्चन क्लियर है क्या हाँ सर कॉपी करो सर वो आपने फोर कैसे लिया फोर मैंने वो समझा नहीं सर अज्यूम किया ना आपने खुद से हाँ वो भाई कंबाइन करना होगा अगर स्क्वायर है अगर मेरे पास मान लो ये लिखा हुआ है टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो क्या करूं मैं यहां फोर दूंगा और यहां फोर दूंगा तभी ना एक कंबाइन होगा टू साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर टू ए है ना रब करें दो मिनट हो गया सर
ये सॉल्व करो, cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 5 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर वो cos 3 पाई बाय 7 के बाद वो क्या लिखा है, cos 4 पाई क्या है वो? cos 4 पाई बाय 7. ओके थैंक्स. सर हाँ बोलो. हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. हाँ बताओ कितना आंसर आया इसका. सोचो सोचो सोचो, बहुत सिंपल है, सीधे आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा. बताओ कितना आ रहा है, सोच के बताओ. cos 3 पाई है क्या? नहीं, cos 3 पाई, cos 3 पाई कैसे आ जाएगा? तुम क्या सबको जोड़ दिए क्या? तुमने क्या पाई प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या ये जोड़ दिया तुमने? क्या बोल रहे हो, कौन है भाई ये? वैसे ये आंसर दिया किसने था cos 3 पाई? Who gave me this answer? Cos 3 pi. So according to you, cos 60 plus cos 30 is cos 90. What rubbish. अरे सिंपल है, जो बताया करो ना, तो मालूम चल जाएगा सीधा. बोलो कितना आ रहा आंसर. Cos 4 pi by 7. Cos? 4 pi by 7. कैसे बेटा, बताना जरा. नहीं सर, सॉरी, जीरो आएगा, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. cos 6 pi by 7, आपको कहा ना एंगल को छोटा करो, तो cos 6 pi by 7 को आप क्या लिख सकते हो, pi minus pi by 7, yes or no? और cos pi minus theta क्या होता है? minus cos pi by 7. चमका क्या? cos 5 pi by 7 क्या होगा बताओ? cos pi minus 2 pi by 7, yes or no? Now what is this? minus cos 2 pi by 7, clear है? cos 4 pi by 7 क्या होगा बताओ? cos pi minus 3 pi by 7 कितना होगा? minus cos 3 pi by 7. बोलो clear है क्या? yes sir. yes sir. Now, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, value कितनी आ गई? कितनी वैल्यू आ गई? जीरो. जीरो. आंसर इज जीरो. ये क्लियर है? यस सर. कॉपी करो. कॉपीड सर. ठीक है, मैं आपको होमवर्क वापस से भेज दे रहा हूं, एग्जांपल 17 ही. ठीक है, नेक्स्ट क्लास कभी है? कल. कल ही है ना? ठीक है. कल कितने बजे स्लॉट में? 4:15 पे ही है, चलेगा. ठीक है, तो कल अपन एग्जांपल 17 कल डिस्कस करेंगे. मैं वापस से होमवर्क भेज देता हूँ. ठीक है, चलो. ओके सर. बाय सर.